नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम सभी वर्ण का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अनुवाद का टॉपिक है। अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुवाद किसे कहते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में हम परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। जैसे अभी मैं लिखूं कि राम जाता है, ये हिंदी भाषा है हमारी, इसको हम संस्कृत भाषा में लिखें तो होगा राम है गच्छति, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो एक भाषा यानी कि हिंदी भाषा को हम कौन सी भाषा में परिवर्तन कर चुके हैं, संस्कृत भाषा में परिवर्तन कर दिए, इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से अनुवाद कहते हैं। ठीक है, अनुवाद के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अनुवाद हमारा कब सही होगा, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि तीसरी जो हमारी इकाई है उसमें स्पष्ट दे रखा है अनुवाद के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आपने अनुवाद वाला टॉपिक यदि अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आपका जो पुरुष है या विशेष विशेषण है या लिंग संबंधी ज्ञान है, कारक की कुछ जगह, मतलब मान लीजिए जैसे अभितः परितः है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, सहसाकम समम सार्धम इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, सर्वनाम संबंधित ज्ञान या फिर लकार संबंधित ज्ञान, ये सब आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। कब होगा, जब अनुवाद का आप टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी होगा। तो अब देखिए, अनुवाद से ही कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक है अनुवाद से प्रश्न इस प्रकार का आता है कि मान लीजिए आपको राम जाता है हिंदी को संस्कृत में, या फिर अभी मान लीजिए यहां पे आ जाए, रिक्त स्थान आ गया और आगे है पठामि। प्रश्नों के प्रकार बता रहा हूं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पठामि आ गया, अ विकल्प है उसमें दे दिया सह, वै विकल्प है अपना वो उसमें दे दिया त्वम, और जो सह विकल्प है अपना उसमें दे दिया यूयम, और जो द विकल्प है उसमें दे दिया अहम। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक जो सामान्य क्वेश्चन वो तो मैंने बता दिया कि हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न का प्रकार है वो इस प्रकार से, यानी कि यहां पे रिक्त स्थान दे दिया और ये जो हमारे हैं सर्वनाम उनमें से प्रश्न कर ले। तीसरा जो प्रश्न है, मान लीजिए यहां पे दे दिया अहम और आगे लिख दिया पठति, ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे उसमें लिख दिया पठति, पठत, पठसी, पठामी, यहां पे अहम देकर के और यहां पे दे दिया, ये क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई विशेष विशेषण के संबंध में भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक है आ गया, ठीक है, एक है, आप देखिए एक है, इसके बाद में यहां पे रिक्त स्थान है और जो ए विकल्प है अपना उसमें दे दिया एक है बाल कहा, इस प्रकार से आ गई, वह जो विकल्प है उसमें दे दिया बालकेन, ठीक है, और सह विकल्प उसमें दे दिया बालकौ, और जो द विकल्प है उसमें दे दिया बालक है। तो ये विशेषण विशेष्य, तो इस प्रकार से एक है बालक है, एक है तो बालक ही आएगा। इसी प्रकार से आपका कोई भी लकार संबंधित ज्ञान है वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले
अनुवाद पढ़ने से, अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें किस किस की जानकारी होना जरूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुवाद का टॉपिक बहुत सरल टॉपिक है और यहां से ही इसके संबंध से ही 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस रखना और याद करना। यदि आप अनुवाद का टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो शिक्षण विधियां हैं या फिर अन्य जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को पढ़ने में या समझने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुवाद के लिए जानना जरूरी क्या क्या है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुरुष कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी बताई, 3। ऐसे ही मान लीजिए लिंग के विषय में पूछे तो लिंग कितने होते हैं, 3, ठीक है। वचन पूछा जाए तो वचन कितने होते हैं, 3। इसी प्रकार से मान लीजिए कारक की संख्या पूछी जाए तो कारक कितने होते हैं, तो कहा 6। और विभक्ति के विषय में प्रश्न किया जाए तो विभक्तियां कितनी होती हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको जानना जरूरी है। तो यहां पे देखिए पुरुष कौन कौन से हैं, कहा कि एक प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। इसके बाद में हम देखें तो इसमें मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो हमारा पुरुष है उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं साथियों, उत्तम पुरुष। अच्छा, ये जो प्रथम पुरुष होता है इसको ही हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, ध्यान से समझना। कभी कभी प्रश्न प्रथम न देकर के अन्य पुरुष पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। यहां पे ध्यान रखना, प्रथम पुरुष में हमेशा अन्य यानी जो दूसरा है उसकी ही बातचीत होती है। मध्यम पुरुष में आप किसी को दूसरे को कह रहे हो, सामने वाले को, और उत्तम पुरुष में हमारी चर्चा होगी। इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, और जो तीसरा हमारा जो है वो है नपुंसक लिंग। ये लीजिए, इस प्रकार से 3 लिंग हो गए हैं। आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर पहले ही ये क्यों पढ़ा रहे हैं, संधि वगैरह क्यों नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि संधि है, समास है, प्रत्यय है, इनके जो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न या दो प्रश्न संधि का मान लीजिए, एक प्रश्न प्रत्यय समास वगैरह इनका। लेकिन ज्यादा जो हमारा टच किया हुआ जो प्रश्न आता है वो अनुवाद से संबंधित में आते हैं। इसलिए पहले आपको अनुवाद यानी कि हिंदी भाषा को आप संस्कृत भाषा में पढ़ना या फिर समझना जान जाओगे तो फिर आपको कठिन नहीं लगेगी। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है पहले, नहीं तो मैं संधि या फिर छंद वगैरह जो भी टॉपिक है उनको मैं क्लियर करवाता। आगे कहा कि कारक कितने होते हैं, 6। तो कौन कौन से, शायद आपको जब कारक और पढ़ाएंगे तब उस समय विस्तृत बताऊंगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और छठा जो हमारा कारक होता है वो होता है अधिकरण, अधिकरण। इस प्रकार से 6 कारक होते हैं और विभक्तियां हमारी जो होती हैं वो होती हैं 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये लीजिए, इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी आपको होना जरूरी है कि पुरुष कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं और कारक कितने होते हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं। और इसी में एक और आपको जोड़ना है कि जो हमारे लकार हैं वो कितने होते हैं। तो लकार की संख्या पूछी जाए, लकार कितने होते हैं, लकारों की संख्या 10 होती है। कितनी है? 10। लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 5 ही लकार पढ़ने हैं। ध्यान से समझिए, लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। यदि मान लीजिए विकल्प में यदि 10 और 5 आ जाए तो वहां पे आपको करके तो आना 5 ही, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें 5 लकारों से संबंधित ही अनुवाद पूछे जाएंगे। लेकिन जो विस्तृत रूप से है वो लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। पढ़ना कितने आपको? 5 ही पढ़ना है। ठीक है, चर्चा हम 5 की करेंगे यहां पे। तो वो 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए, लट लकार है, लट लकार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लंग लकार, लंग लकार। तीसरे नंबर पे लृट लकार, लृट लकार। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे लोट लकार, लोट लकार। और पांचवे नंबर पे जो हमारा लकार रहेगा वो है विधि लिंग लकार। कौन सा है? विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। इस प्रकार से मेरे सभी प्यारे अभ्यर्थियों, हमें ये जानना जरूरी था कि अनुवाद में हमें क्या क्या जरूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें ये लीजिए, नेक्स्ट क्या है इसमें ये जानना। अब देखिए, हम अभी पढ़े लकार, लकार के बाद में इसके पहले पढ़े हम विभक्तियां, विभक्ति से पहले कारक पढ़े, कारक से पहले हम पढ़े वचन आदि, पुरुष वगैरह, लिंग वगैरह, ये सब हम जानकारी जुटा लिए। अब हमें एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करना है, यानी कि हिंदी भाषा को संस्कृत में बताना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं प्रश्न करूं आपके सामने कि बताइए राम क्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि राम संज्ञा है। हरि क्या है? संज्ञा है। अभी मैं कहूं कि वह, तो आप तुरंत कहोगे कि वह तो सर्वनाम है। क्या है? वह तो सर्वनाम है। तुम दोनों, तुम दोनों भी सर्वनाम है। ठीक है, या जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि अनुवाद हम कर रहे हैं तो उसमें जहां का कर्ता होगा वहीं की क्रिया होगी, जहां का कर्ता होगा वहीं की क्रिया होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले हम हमारी जो सर्वनाम की जो सारणी है वो ही पढ़ते हैं। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के संबंध में ज्ञान होना जरूरी है। सर्वनाम के विषय में हम पढ़े तो सबसे पहले देखिए यहां पे भी वही आप शुरू करेंगे कि एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। इस प्रकार से कहा कि ये तो ठीक है। अब यहां पे हमें पुरुष भी दिखाना है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में कौन से सर्वनाम आएंगे, इसके बाद में मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है सबसे पहले। क्योंकि संज्ञा यदि कोई पद आ रहा है, ठीक है, संज्ञा जैसे राम है, हरि है, विष्णु है, मोहन है, सीता, गीता, फल, ये सभी तो आपको पता है कि जब हम कर्ता पढ़ेंगे तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता है, राम है, क्या है? कर्ता ही तो है। राम है गच्छति, राम जाता है,
जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहां पे राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जब कारक की सारणी पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया। इस प्रकार से संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण के विषय में हम बता देंगे। लेकिन आपको यहां पे क्या जानना है कि जैसे मान लीजिए राम वन में जाता है, राम खाता है, और फिर हम कह दें कि वह स्कूल में जाता है, वह मंदिर में जाता है, तो वह कौन है? वह राम ही है। लेकिन राम के स्थान पे हम प्रयुक्त क्या कर दिए? वह। और वह क्या है? सर्वनाम। कहा कि संस्कृत में वह को क्या कहते हैं, तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि वह है वो अन्य है, वह है वो अन्य है। तो अन्य पुरुष के लिए हमें प्रथमा विभक्ति के लिए क्या क्या प्रयोग करना है, तो ये बताना चाहता हूं। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष को ही सबसे पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष को ही कौन सा पुरुष कहते हैं और अन्य पुरुष कहते हैं? अच्छा, प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो यहां पे देखिए वह को क्या कहते हैं? सह। क्या कहते हैं? सह। वे दोनों को कहेंगे तव। क्या कहेंगे? तव। और वे सबको कहेंगे ते। तो देखिए सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इस प्रकार से याद रखना है आपको वे सब। और ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी आपको विशेष याद रखना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, पुल्लिंग लिख रहा हूं मैं, पु लगा दिया तो पुल्लिंग समझ जाना आप, ठीक है। ये पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त किए जाएंगे। जैसे वह जाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो यहां पे पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग का वाक्य है। अब मान लीजिए आ जाए कि वह पढ़ती है, वे सब जाती हैं, तब हमें क्या प्रयोग करना है? तो वहां पे देखिए सा करना है आपको, सा। सा यानी क्या होगा? वह। सा ते ताहा, सा ते ताहा। सीता वन में जाती है, वह आम तोड़कर लाती है, ठीक है। तो वह सा, वह का क्या हो गया? सा। वे दोनों, अभी वे दोनों चलती हैं, तो वे दोनों के लिए क्या आ जाएगा? ते आ जाएगा भाई। कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त कर देंगे? ते वाला सर्वनाम प्रयुक्त कर देंगे। इसके बाद में आ जाए कि वे सब नाचती हैं, तो वे सब के लिए ताहा का प्रयोग हो जाएगा। अब ये आपको पता लग गया है कि कौन से लिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं। ऊपर पू लिखा हुआ है तो मतलब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। नीचे स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं। और यहां पे ही प्रथम पुरुष में यदि आ जाए नपुंसक लिंग का, तो उसके लिए हमें ताते ते तानी का प्रयोग करना है, तत्ते तानी। बिल्कुल, तत् का अर्थ भी क्या होता है? वह होता है। कैसे? तत् फलम, वह फल है। अब फल शब्द है हमेशा नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैं कहूं कि वह पुष्प है, तो तत् पुष्पम, पुष्प शब्द है हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। अभी कहें कि सीता, वह सीता है, और आप कहो कि हाँ यहां पे भी हम नपुंसक लिंग में बता दें, नहीं, सीता जो है शब्द हमारा पद वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो स्त्रीलिंग के लिए वह आएगा, वो उसको हम कहेंगे सा, ठीक है। तो वे दोनों,
नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और तानी यानी वेशब, तानी यानी वेशब नपुंसक लिंग में, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब ये हमारे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की बात हम कर चुके हैं, कैसे याद रखना है, सह ताउ ते सा ते ताह तत ते तानी, सह ताउ ते सा ते ताह तत ते तानी। सह यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। दिक्कत आपको यहां पे आएगी कि ये भी ते हैं, ये भी ते हैं, ये भी ते, कैसे हम जानकारी जुटाएंगे? तो ध्यान रखिए, यदि पुल्लिंग का ते आ रहा है, पुल्लिंग में यदि ते आ रहा है, तो उसके जस्ट आगे आपको क्या मिलेगी, धातु जो मिलेगी वो बहुवचन की मिलेगी। जैसे वे सब खाते हैं, जैसे वे सब खाते हैं, आप देखिए वे सब खाते हैं पुल्लिंग का वाक्य है, और वे सबको क्या कहते हैं संस्कृत में, ते कहेंगे, ठीक है। ते खादंती, क्योंकि खाते हैं वो लटलकार का वाक्य है वर्तमान काल का, तो खादती खादत खादंती क्या हो जाएगा बहुवचन में, खादंती, ते खादंती वे सब खाते हैं। अभी आ जाए कि वे दोनों चलती हैं, वे दोनों चलती हैं, तो आप तुरंत जाओगे कहां पे, द्विवचन में, और वे दोनों जो वाक्य है हमारा वो है स्त्रीलिंग का, तो वे दोनों चलती हैं ते, फिर अब देखिए ते कहां का है, द्विवचन का, और चलती चलता है, ते चलता है। अब पता लग गया है कि द्विवचन में आ रहा है तो स्त्रीलिंग का होगा ते, और यदि बहुवचन का आ रहा है तो कौन से लिंग का होगा, नपुंसक पुल्लिंग का होगा। इस प्रकार से हमारे ये अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में मध्यम पुरुष में हम जाते हैं, तो यहां पे देखिए युवाम क्षम्यताम, मध्यम पुरुष में हम पढ़ेंगे तो क्या है, सबसे पहले त्वम, त्वम युवाम, युयम, त्वम युवाम युयम, तीनों हलंत है मकार। त्वम यानी क्या होगा, तुम, त्वम यानी क्या होगा, तुम, युवाम यानी क्या होगा, तुम दोनों, तुम दोनों, और युयम का अर्थ क्या होता है, युयम यानी तुम सब। कहा कि सर ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनमें कैसे पता लगेगा, तो अभी देखिए ये सभी लिंगों में चलेंगे भाई, मध्यम पुरुष है वो सभी लिंगों में एक जैसा ही रहेगा। कैसे, तुम जाति, ठीक है, तुम जाति, या फिर तुम सब खाओगी, तुम दोनों पढ़ोगी, और यहां पे वही तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। तो ये हमारा जो मध्यम पुरुष है उसमें स्त्रीलिंग में भी त्वम ही आएगा, और पुल्लिंग के लिए भी हम त्वम का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में देखिए अहम क्या है, अहम, अहम यानी मैं, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। इस प्रकार से अहम का जो अर्थ होता है वो होता है मैं, आवाम यानी हम दोनों, आवाम यानी क्या होता है, हम दोनों, और वयम का जो अर्थ होता है वो होता है हम सब। ये भी तीनों लिंगों में ही प्रयोग किए जाएंगे, यहां पे जरूरी नहीं कि हाँ हम अलग अलग करें, तीनों लिंगों में, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के लिए यदि हम मैं का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे संस्कृत में लिखा जाएगा अहम, ठीक है। यदि हम दोनों का प्रयोग हो रहा है कि हम दोनों पढ़ेंगी, हम सब चलेंगी,
हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब चलेंगे, तो उनके लिए हमें आवाम का ही प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आपको मैंने बता दिए हैं तीन पुरुषों में, पुरुष कितने होते हैं तीन, तीन पुरुषों में कैसे कि प्रथम पुरुष जो है उसमें बताया शह ताउ ते, इसके बाद में प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में बताया सा ते ताहा, फिर नपुंसक लिंग के लिए तत ते तानी, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। आप सभी याद करना, और यदि यहां से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रथम पुरुषस्य, प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है, तत् शब्द में प्रथम पुरुष का बहुवचन पुल्लिंग में पूछे तो सह तौ ते, ये आपको ते बताना है। इस प्रकार से मेरे सभी प्यारे साथियों, मित्रों, अभ्यर्थियों, आप सभी को यदि ये चार्ट याद हो जाता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लट लकार की जो क्रिया है, लंग लकार की जो क्रिया है, लोट लकार की, लिट लकार की और विधिलिंग लकार की क्रिया कहां पे हमें, यानी कि मैं अभी बता रहा था कि जहां का कर्ता हो वहीं की क्रिया करनी है, तो वो किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हमारा अनुवाद का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ेगा, ये हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें। धन्यवाद।